नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की। बता दें कि राजू श्रीवास्तव के निधन को 3 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी भी उनके फैंस उन्हें भुला नहीं पाए हैं। लगातार जिस तरह से सोशल मीडिया पर राजू श्रीवास्तव के फैंस उनकी पुरानी वीडियोस और फोटो शेयर कर उन्हें ट्रिब्यूट देते हैं, उसे देखकर साफ पता चल रहा है कि राजू श्रीवास्तव ने अपने एक्टिंग और कॉमेडी करियर में कैसा नाम बनाया कि वो तो चले गए हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी उनके फैंस के बीच उतनी ही ज्यादा ताजा और खूबसूरत है। इसी बीच यहाँ पर अगर बात करें राजू श्रीवास्तव की, तो बता दें कि राजू श्रीवास्तव के फैंस या फिर उनके परिवार ही नहीं बल्कि कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी राजू श्रीवास्तव को अभी तक याद कर रहे हैं, और इन्हीं में से एक है बॉलीवुड इंडस्ट्री के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन की अगर बात करें तो अमिताभ बच्चन और राजू श्रीवास्तव का रिश्ता बेहद ही ज्यादा खास है, क्योंकि राजू श्रीवास्तव ने अपनी जिंदगी में जो भी नाम बनाया उसके पीछे वो अमिताभ बच्चन को ही श्रेय देते हैं, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए अमिताभ बच्चन उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा थे और अमिताभ बच्चन जैसा बनने की चाह में राजू श्रीवास्तव गजोधर भैया बन गए। दरअसल आपको बता दें कि ये बात है सोनी टीवी पर आने वाले शो कौन बनेगा करोड़पति की। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि इन दिनों अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति शो को होस्ट कर रहे हैं, और इसके हाल ही में आए एक एपिसोड के दौरान कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद अमिताभ बच्चन राजू श्रीवास्तव को याद कर काफी ज्यादा भावुक होने लगे। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर एक सवाल के दौरान देखने को मिला कि राजू श्रीवास्तव से जुड़ा एक सवाल अमिताभ बच्चन ने कंटेस्टेंट से पूछा। हालांकि इस सवाल का जवाब काफी लोग गलत दे पाए, लेकिन यहां पर एक शख्स था जिसने इस सवाल का सही जवाब दिया। दरअसल सवाल था कि सितंबर के महीने में आखिरकार सत्य प्रकाश नाग के कॉमेडियन का हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ था, इस कॉमेडियन का असली नाम क्या है। आपको बता दें कि वहां पर बैठी जनता और कंटेस्टेंट में से कोई भी राजू श्रीवास्तव यानी कि सत्य प्रकाश श्रीवास्तव का असली नाम नहीं जानता था, उनका निकनेम नहीं जानता था, जिसकी वजह से कोई भी यहां पर जवाब नहीं दे पाया। लेकिन इन्हीं में से एक थे मोहसिन खान, जिन्होंने इस सवाल का सही जवाब दिया और हॉट सीट पर बैठ गए। इस दौरान अमिताभ बच्चन को राजू श्रीवास्तव की याद आ गई और लाइव शो में वो रोने लगे और भावुक नजर आए। इस दौरान उन्होंने एक किस्सा भी बताया कि किस तरह से राजू श्रीवास्तव से हुई उनकी मुलाकात काफी ज्यादा यादगार है और वो हमेशा राजू श्रीवास्तव को याद रखेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ। नमस्कार।